राम राम से सभी को। खम्मा गणीसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मैं हूं अभी तिजारा जो कि अलवर शहर से 55 किलोमीटर है, दिल्ली से 110 किलोमीटर है। यहां पर है ये जो आप खूबसूरत चीज देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सूरजमुखी। कभी किसी टाइम पे यहां पर ऊपरा चला करती थी, इसके पीछे बांध हुआ करता था जहाँ आज खेत हैं, और वहाँ से पानी जो है इस झरने के जरिए आता था और बहुत भयंकर पानी आता था। आप ये जो कुंडा देख रहे हैं इधर, ये जो कुंडा देख रहे हैं ये तो होता था आदमियों के नहाने का स्थान, क्योंकि ये भर जाता था। और वहाँ पे देखिए ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दीवार लग रही है ये होता था जनानों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए नहाने का स्थान। ये जो आप देख रहे हैं ये कभी पानी से लथपथ हुआ करते थे, भरा करते थे, कुंड हुआ करता था जहाँ औरतें नहा करती थी, लेकिन आज ये सूख गए हैं। आप दिखा दिनेश सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में बाबा भर्तृहरि ने 12 साल तपस्या की थी, जो कि इस सूरज कुंड से जो पहाड़ आपको दिखाई देता है सामने वहाँ पर ऊंची चोटी पर पहाड़ जो दिख रहे हैं वहाँ पे भर्तृहरि बाबा का तपोस्थल ही है। और ये जो तालवस देख रहे हैं ये तप के कारण ही यहाँ पर आए हैं, जिसे बाबा भर्तृहरि अपने तप के कारण लाए। कभी यहाँ पर पानी बहा करता था, उस समय बारिश हुआ करती थी बहुत भयंकर। लास्ट जो पानी यहाँ पे आया था वो लगभग 15 से 16 साल पहले, जब बहुत भयंकर बारिश हुई, ऊपरा चली करती थी। जैसी ऊपरा आपने देखी होगी हमारे अलवर के सिलीसेठ झील में चला करती थी, जो कि अब नहीं चलती है। तो सारी कहानी उनके तपोबल की है और कुछ इस प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है उसकी वजह से बारिश कम हो गई है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आज ऐसी चीज़ें सूरजमुखी जैसी चीज़ें जहाँ सुबह से और शाम तक लोग नहाया करते थे, जीवन का आनंद लिया करते थे, और बस वो चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो गई हैं। तो ये देख रहे हो आप, आज यहाँ बहुत भयंकर झरना बहा करता था कोई समय पर। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं अभी भी, एक मंदिर बना रखा है हनुमान जी का, और ये बहुत सारे ताल वृक्ष। तो ये सब चीज़ें प्रकृति जो है यहाँ पर लेके आई अपने साथ, और अब पानी की कमी की वजह से, बारिश ना होने की वजह से ऐसे प्राकृतिक स्थलों की बर्बादी होती जा रही है। हम दुआ करेंगे उस ईश्वर से कि बारिश हो, अच्छी बारिश हो, वापस से लौटे सब यहाँ पर। इस साल जब बारिश हो तो ये सूरजमुखी में लोग नहाने आएँ और लबालब हो जाएं। 2024 का साल है ये, और मैं उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा। ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणीसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। ओम प्रकाश सोनी ब्लॉग्स।